खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर हाट पिपिया में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने बिजली, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बढ़ी हुई महंगाई को कम करने की मांग की गई। ज्ञापन केंद्र सरकार द्वारा पारित में तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने से पूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष सभी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के किसान व गरीब विरोधी नीति का जमकर विरोध किया गया। इस अवसर पर नगर हाट पिपलिया के तमाम कांग्रेस जन मौजूद रहे। के अध्यक्ष कमलनाथ जी का आदेश अनुसार भारत देश में गैस और पेट्रोल के दाम बहुत अति बढ़ गए हैं। इसका हमने कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, युवक कांग्रेस, हिंदुशाय सभी कार्यकारिणी के अध्यक्ष उनके द्वारा धरना प्रदर्शन उपास किया गया। हम इसका विरोध करते हैं। पूरे जिले में आज मोदी जी सरकार द्वारा और राज्य की शिव सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव कम किए जाएं, गैस के भाव कम किए जाएं। आज देश में महामारी चल रही है, पहले कोरोना की बीमारी, महिला परेशान है, मजदूर परेशान है, क्योंकि गैस का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया। हम चाहते हैं राज्यपाल महोदय से और राष्ट्रपति जी से कि देश में इन चीजों का भाव कम हो, क्योंकि आज देश की स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में चल रही है। हम सब कांग्रेस जन राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल का भाव कम करें, यही हमारी मांग है। हाट पिपलिया से शाकिल मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।